धर्मशाला सीट पर कांटे की टक्कर, बीजेपी के लिए बागी बने मुश्किल। क्या है धर्मशाला का सियासी समीकरण? हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बीजेपी के लिए ये लड़ाई काफी अहम है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति ने अपना तापमान बदलना शुरू कर दिया है। नामांकन वापसी के बाद साफ हुई चुनावी तस्वीर सत्ताधारी दल के लिए डराने वाली है। वहीं कांग्रेस का भी हाल बुरा है। प्रदेश में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कांग्रेस के भी 7 नेता उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अपने ही नेताओं के बागी तेवर दोनों पार्टियों का सियासी खेल बिगाड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी समर के बीच वन इंडिया हिंदी आपको प्रदेश की उन चर्चित सीटों के राजनीतिक समीकरण, इतिहास और मौजूदा हालातों के बारे में बता रहा है जो अपने आप में खास है। इस कड़ी में आज बात सबसे चर्चित हॉट सीट और प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला विधानसभा सीट की करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला सीट पर हमेशा से पूरे प्रदेश की नजरें रहती है। आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट में हम धर्मशाला सीट के बारे में क्या क्या जानेंगे, पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बात धर्मशाला सीट के राजनीतिक इतिहास की होगी, फिर मौजूदा समीकरण, फिर चुनावी मैदान में कौन कौन चेहरे हैं उन पर हम बात करेंगे और फिर आखिर में बात होगी जनता के मुद्दों की। धर्मशाला विधानसभा सीट से जुड़ी इन बातों पर आगे विस्तार से जानेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को अपने ही नेताओं के बागी तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी हाईकमान भी इस बगावत को रोकने में फेल साबित हुआ है। धर्मशाला सीट पर भी आलम कुछ ऐसा ही है। ये सब जानने से पहले बात इस सीट के राजनीतिक इतिहास की करते हैं। धर्मशाला सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में ही मुकाबला देखने को मिला है, जिसमें बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। अब तक हुए 12 विधानसभा चुनावों में से बीजेपी ने 7 में तो वहीं कांग्रेस ने 5 बार बाजी मारी है। धर्मशाला से अभी तक चुने गए विधायकों की अगर बात करें तो 1967 में कांग्रेस के आरके चंद यहां से पहली बार विधायक बने। 1972 में चंदन बेरकर कांग्रेस से ही विधानसभा पहुंचे। इसके बाद ब्रिजलाल ने 1977 में जनता पार्टी की ओर से चुनाव जीता और 1982 में बीजेपी की ओर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1985 में कांग्रेस के मूल राज पडाल ने चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। 1990 से 1998 तक किशन कपूर का जादू धर्मशाला में देखने को मिला और उन्होंने बीजेपी की ओर से लगातार 3 चुनावों में जीत दर्ज की। 2003 में चंद्रेश कुमारी कांग्रेस की ओर से जीतकर विधानसभा पहुंची। 2007 में किशन कपूर ने फिर वापसी की और बीजेपी की ओर से यहां चुनाव जीते। 2012 में सुधीर शर्मा कांग्रेस की ओर से यहां चुनाव जीते और 2017 में एक बार फिर से किशन कपूर बीजेपी की ओर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2019 में हुए बाई इलेक्शन में विशाल नेहरिया ने बीजेपी की कमान संभाली और चुनाव जीते। ये तो हुई बात इतिहास की। अब मौजूदा हालातों पर आते हैं और वर्तमान में धर्मशाला सीट का सियासी समीकरण क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में कुल 83,829 मतदाता हैं, जिनमें 42,359 पुरुष मतदाता और 41,469 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी हार जीत को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वोटर यहां लगभग बराबर है। ऐसे में चुनावों में जीत हार का फैसला भी ओबीसी और एसटी समुदाय के हाथों में ही रहता है। इस बार के चुनावों में भी भाजपा कांग्रेस सहित सभी अन्य उम्मीदवारों की इस वोट बैंक पर नजर रहेगी। धर्मशाला सीट पर 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के विशाल नेहरिया ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने विशाल नेहरिया की जगह राकेश चौधरी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने सुधीर शर्मा पर ही भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलवंत राणा मैदान में है।
भले ही बीजेपी का दबदबा इस सीट पर हमेशा से रहा है, लेकिन मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी और बीजेपी एसटी मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष विपिन नहरिया यहां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दोनों नेता राकेश चौधरी को टिकट देने से खासे नाराज है और दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं बात अगर जनता के मुद्दों की करें तो हर चुनाव में धर्मशाला में प्रमुख मुद्दा ट्रैफिक जाम की समस्या है, जिसको लेकर हर बार जनता सरकार से गुहार लगाई रहती है, जिसका मुख्य कारण यहां की पतली सड़कें और पार्किंग की उचित व्यवस्था ना होना है। वहीं धर्मशाला की डंपिंग साइट को शिफ्ट करने की भी लंबे समय से मांग उठाई गई है। जनता के मुताबिक सत्ता में कोई भी सरकार हो, बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने सिर्फ आश्वासन और घोषणाएं ही की है, जमीनी स्तर पर किसी ने भी काम नहीं किया। इन सब के बीच जनता को इस बार कौन लुभाता है और सरकार बनने के बाद इन पर कितना काम होता है, ये तो सरकार बनने के बाद ही तय होगा। फिलहाल देखना ये होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता बचाने में कामयाब रहती है या बागियों की बगावत का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।